तो गाइस आज हमारे साथ है भाई इंडिया के हाईएस्ट लेवल प्लेयर और इनसे बात करते हैं। हेलो 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 ब्रो। हाँ ब्रो, बोलो ब्रो। ब्रो मोंटी भाई बोल रहे हो या फिर स्मॉल राय? मेरे को लग रहा है। स्मॉल राय। अरे भाई राय स्टार हो क्या भाई? हाँ भाई, राय हाय भाई। लग रहा है राय स्टार के फैन लग रहे हो भाई, या मेरे को लग रहा है राय स्टार ही प्रैंक तो नहीं कर रहा गाइस हमारे साथ। तो गाइस ये है हमारा हाईएस्ट लेवल प्लेयर इंडिया का 95 लेवल। अरे दादा रे ऑलमोस्ट भाई लाइक भी 60,000 होने वाले। तो मोंटी भाई बोलते कि नहीं, मोंटी भाई की आवाज सुनना है मेरे को। कैसे हो भाई, इतना लेवल कैसे मेंटेन करके रखा है यार? कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताओ बंदों को यार। टिप्स एंड ट्रिक्स, फेयर गेम प्ले खेलो एकदम जैसे नॉर्मली खेलते हैं। कितना घंटे खेलते हो भाई? 18-19 घंटे भाई कितनी मेहनत। तो बहुत ही भाई एक्सपीरियंस प्लेयर हो। तो भाई मतलब यार आपको तो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, तो मैं सोच रहा हूँ एक मैच आपका करा देते हम गिल्ड वाले बंदों से। तो 2v4 करा देते, अपनी स्क्वाड लेके आ जाओ आप, क्या बोलते हैं? भाई तुम तो चैलेंज सा पेल रहे हो भाई बंदों में। लो रिमोट। अरे भाई यार मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ भाई, वो मार ही देंगे मेरे को पता है भाई। तगड़ा स्क्वाड होगा तुम्हारा, 95 लेवल है तो तुम्हारे साथ भी ऐसे ही बंदे खेलते होंगे इतने लेवल के। बट हम लोग ट्राई कर सकते हैं भाई। चल झूठा। तो पेल दोगे भाई? चलो भाई ठीक है, मैं कस्टम बना रहा हूँ भाई, हो जाए आज। तूफान को मैं बुला देता हूँ, तूफान ऑनलाइन दिख रहा है बस मेरे को। मैं सोच रहा हूँ तूफान स्मूथ को लेके आऊँ, स्मूथ ऑनलाइन नहीं है बट तूफान को मैं बुलाऊँ। तूफान भाई चैलेंज आ चुका है ब्रो, चैलेंज दे रहे यार बंदे। कौन भाई? देख लो सामने भाई, इंडिया का हाईएस्ट लेवल प्लेयर। डर लग रहा है मेरे को, क्या होगा भाई? भाई 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 तो मैं शुभम को बुलाता हूँ ना, करते हैं वर्सेस और क्या। ठीक है शुभम, शुभम को बुला लो, मैं कस्टम रूम बनाता हूँ भाई। हम बन्नी बन्नी भाई, हम तुम जैसे लोग को 2v4 नहीं, हम बन्नी बन्नी हम तुम जैसे लोग को 2v4 मारते हैं। गजब बेइज्जती है भाई, ऐसा मत बोलो भाई, ये तो फेल देंगे भाई सच में। अभी तक तो तुमने कम लेवल से किया है बट इस बार देखो 95 लेवल है। चलो तो भाई मैं कस्टम बना रहा हूँ, ठीक है? 95 लेवल। हाँ देख लो भाई एक बार, कभी कभी पता चले 70 पिल क्या दो। चलो कोई ना, मेरे को विश्वास है भाई पूरा अपने प्लेयर्स पे। तो ठीक है भाई मैं बना रहा हूँ कस्टम, मिलते कस्टम में। ठीक है भाई बाय। तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और गाइस आज की वीडियो बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है। एक तरफ है स्मूथ और तूफान, और आज हमारे अगेंस्ट में गाइस इंडिया के हाईएस्ट लेवल वाले प्लेयर मोंटी कार्लो भाई। 95 इनका लेवल है। तो आप लोग कमेंट करके बताना, मेरे को लेवल वगैरह का ज्यादा पता नहीं रहता है, क्या ये इंडिया का हाईएस्ट लेवल प्लेयर है कि नहीं। बाकी मेरे को लग रहा है क्योंकि 95 मैंने यार किसी प्लेयर का ही देखा है। और यहाँ पे बात की जाए तो इनके अगेंस्ट में और भी यहाँ पे प्लेयर्स हैं, इंस्पेक्ट करके हम लोग देख लेते हैं। जी गाइस बात की जाए तो स्मॉल राय है यहाँ पे, और भैया गुच्छी पहाड़ी है तो रियल वाले तो पहाड़ी नहीं है, चीज मैं क्लियर कर देता हूँ। 81 लेवल है गाइस इनका, बट मेरे को लग रहा है कि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर है भाई लोग। और लास्ट प्लेयर की बात की जाए तो ठाकुर FF, इनका भी 75 लेवल है। तो मतलब बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर है गाइस जितने भी हम लोगों ने अभी देखे हैं। तो आज हम लोग करने वाले गाइस 2v4, तो देखते हैं भाई कैसा गेम प्ले होने वाला है भाई लोग। तो लेट्स गो फॉर द फॉर दिस गेम गाइस। यहाँ पे गेम दोबारा स्टार्ट करना पड़ा क्योंकि फर्स्ट वाला गेम लग गया था रैंडम स्टोर, तो फिर फर्स्ट राउंड के बाद ही सब लोगों ने बैक कर दिया। तो अभी दोबारा से हम लोग गेम स्टार्ट कर चुके हैं। अभी देख लेते हैं, गेम यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। मोंटी कार्लो, स्मॉल राय, गुच्छी पहाड़ी और ठाकुर यहाँ पे आ चुके हैं सामने है स्मूथ। और यहाँ पे भाई भाई पहला हेडशॉट यहाँ पे लगा दिया, और वो भी मोंटी कार्लो को निशाना यहाँ पे बनाया गया। तूफान को देख लेते हैं, तूफान के पास यहाँ पे UMP है गाइस, फान के पास MP है। और गाइस जितने बंदे देख रहे हो भाई, सारे बंदे एक साथ स्ट्रीम को वीडियो को लाइक कर देना भाई, स्ट्रीम निकलता है मुझसे। और चैनल में जितने भी बंदे नहीं हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और यहाँ पे तूफान को भी यहाँ पे नॉक कर दिया है भाई, स्मूथ यहाँ पे रुकने का नाम नहीं ले रहे। अब यहाँ पे लास्ट प्लेयर बचे हैं, वो है गुच्छी पहाड़ी, और उनको तूफान ने फिनिश कर दिया। फर्स्ट राउंड बहुत ही इजी जी गाइस, जो मैंने सोचा नहीं था, पहला राउंड इतना इजी बना दिया स्मूथ ने, क्या ही लाजवाब यहाँ पे हेडशॉट मारे। और दो किल यहाँ पे तूफान ने, दो यहाँ पे स्मूथ ने निकाले। बात की जाए तो स्मूथ के पास UMP है, और मेरे को लग रहा है गाइस आई थिंक पहले प्लेयर को यहाँ पे नॉक डाउन कर सकते हैं, काफी ज्यादा क्लोज है यहाँ पे। और एक प्लेयर काफी क्लोज आते हुए, क्या होने वाला है, 137 का हेडशॉट, बट ग्लू वॉल यहाँ पे लगा है, ग्लू वॉल और एक को, और यहाँ पे बहुत ही प्यारा हेडशॉट। इधर यहाँ पे तूफान ने भी एक प्लेयर को नॉक डाउन कर दिया है,
बट स्मूथ पे रश किया जा रहा है। जी गाइस, रश यहाँ पे किया जा रहा है एक और प्लेयर को, स्मूथ ने यहाँ पे नॉक डाउन कर दिया है। और अब यहाँ पे लास्ट प्लेयर जो बचे हैं वो है यहाँ पे मोंटी कार्लो, उनका गेम प्ले यहाँ पे देखते हैं। दोनों प्लेयर यहाँ पे फंस गए हैं और डबल किल इस बार भी, दो किल यहाँ पे स्मूथ ने, दो किल तूफान ने। भाई हर राउंड में मतलब किल यहाँ पे बांट रहे हैं भाई लोग। तूफान थोड़ा सा पीछे जरूर हटे और अपनी ही यहाँ पे ड्रेस में ये गए, सामने प्लेयर यहाँ पे हेड जरूर दिया 97 का। स्मॉल राय काफी ज्यादा क्लोज यहाँ पे आ चुके हैं तूफान के। ये भी वो क्या होने वाला है इस गेम में भाई लोग। यार स्टार्टिंग के दोनों राउंड में तो दबदबा यहाँ पे रहा है दोनों प्लेयर का और स्मूथ यहाँ पे एक प्लेयर को नॉक डाउन यहाँ पे कर चुके हैं। जी गाइस, एक प्लेयर को नॉक कर दे और कहीं ना कहीं अब यहाँ पे दूसरे प्लेयर को भी भाई ग्लू वॉल्स अपने आपको पैक कर लिया इस प्लेयर ने। जी गाइस, ग्लू वॉल्स यहाँ पे पैक कर लिया है। बट यहाँ पे तूफान की M10 भाई, दोनों प्लेयर ही मेरे को दिख रहे हैं भाई, अपोनेंट्स को मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। एक और प्लेयर यहाँ पे नॉक, हालांकि दोनों हम लोगों ने मिस यहाँ पे जरूर कर दिए। किस प्लेयर ने यहाँ पे नॉक किया वो तो अब किल फीड आने के बाद ही पता चलने वाला हम लोगों। दूसरी तरफ तूफान को देखे तो अभी तो ग्लू वॉल में यहाँ पे अपने आपको पैक कर लिया है। स्मूथ यहाँ पे वुड पिकर के साथ है भाई लोग। जी गाइस, वुड पिकर के साथ है और यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त जिसका हम लोग वेट कर रहे भाई नॉक होने के बाद में भी। और पहला नॉक यहाँ पे देखने के लिए मिला है। जी गाइस, पहला नॉक यहाँ पे देखने के लिए मिला है। क्या यहाँ पे रिवाइव दे पाएंगे, क्या यहाँ पे रिवाइव कर पाएंगे? अब यहाँ पे बचे हैं स्मॉल रहा है, अकेले प्लेयर बचे शॉर्ट गन के साथ में। ये भी गो कैप्चर से यहाँ पे तूफान को नॉक कर देंगे। सामने होने वाले दो प्लेयर्स भाई, क्वाड्रा किल यहाँ पे भाई। लिटरली मैंने दो शॉट्स स्टार्टिंग के मिस किए बट उसके बाद जो यहाँ पे वुड पिकर से हेडशॉट लगाया स्मूथ ने, लगा यहाँ पे कि अलग ही लेवल में है भाई, अलग ही फॉर्म में है यहाँ पे स्मूथ। सामने है यहाँ पे दो प्लेयर्स, क्या यहाँ पे वुड पिकर से फिर से धमाका करने वाले हैं। बट यहाँ पे इस बार तूफान यहाँ पे नॉक हो चुके। जी गाइस, तूफान को यहाँ पे नॉक डाउन कर दिया और तूफान को यहाँ पे फिनिश भी कर दिया। स्मूथ यहाँ पे अकेले प्लेयर बच गए। स्मूथ यहाँ पे देख रहे हैं जैसे ही प्लेयर निकलेगा, क्योंकि पहला नॉक, एक दो प्लेयर्स को नॉक निकालना जरूरी है अगर आपके सामने है पूरे चार प्लेयर्स यहाँ पे। अब देखते हैं स्मूथ कैसे टैकल करते हैं या फिर कमबैक करने वाले हैं इंडिया के हाईएस्ट लेवल प्लेयर यहाँ पे मोंटी कार्लो का स्क्वाड क्या है यहाँ पे अब कमबैक करने वाले हैं। काफी ज्यादा क्लोज स्मूथ, यहाँ पे अकेले प्लेयर बच गए। जी गाइस, 1v4 सामने है 95 लेवल के प्लेयर्स के स्क्वाड। ओके भाई, थोड़ा सा यहाँ पे एम जरूर बचता था, पैर पे गया था, बट इस बार एक प्लेयर को नॉक किया ठाकुर ने यहाँ पे, किल कंफर्म यहाँ पे किया और कमबैक यहाँ पे कर चुकी है गाइस। स्कोर यहाँ पे हो चुका है 1-3। हालांकि डैमेज अभी नहीं पड़ा है और डैमेज देखने के लिए भी नहीं मिला है, बट यहाँ पे रिकॉयल। जी गाइस, बहुत ही गंदा यहाँ पे रिकॉयल यहाँ पे हुआ था और ठाकुर काफी अच्छा खेल रहे। जी गाइस, तूफान यहाँ पे नॉक कर दिया है। एक प्लेयर को यहाँ पे स्मूथ ने भी आई थिंक नॉक किया या फिर तूफान ने, अब देखने वाली बात रहेगी। 1v3 यहाँ पे। जी गाइस, 1v3 किस तरीके से स्क्वाड को टैकल यहाँ पे करते हैं, क्योंकि अकेले प्लेयर यहाँ पे बचे स्मूथ। ओके, दो शॉट्स यहाँ पे जरूर कनेक्ट किए, 46 एचपी यहाँ पे बची है और मोंटी कार्लो ने यहाँ पे फिनिश कर दिया है। स्कोर यहाँ पे हो चुका है गाइस 2-3। पिछले दो राउंड बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे निकाले है, बट हेडशॉट यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर पाए। दूसरी तरफ स्मूथ को देख लेते हैं। स्मूथ के पास है डेजर्ट ईगल और UMP बैक ऑफ यहाँ पे करते हुए, और आई थिंक लेफ्ट हैंड साइड से कोई प्लेयर यहाँ पे जरूर एंट्री कर रहे हैं। एक लोअर से नहीं निकल रहे हैं प्लेयर्स, क्योंकि स्टार्टिंग में जरूर उन्होंने लगा था कि चारों प्लेयर रश करेंगे तो इजीली यहाँ पे मार देंगे, बट अब स्ट्रेटजी के साथ यहाँ पे प्लेयर्स खेल रहे हैं और यहाँ पे पीछे की तरफ मूव किया था और भाई बच गए। बट कितनी दूर यहाँ पे हेडशॉट लगाया UMP का। जी गाइस, कितनी दूर यहाँ पे बहुत ही प्यारा हेडशॉट लगाया, बट तूफान के लिए मुश्किल हो सकती है। मेरे को लग रहा है दो प्लेयर जरूर यहाँ पर रश कर रहे हैं तूफान पे, और यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही प्यारा हेडशॉट यहाँ पे स्मूथ को यहाँ पे देख लेते हैं। स्मॉल राय यहाँ पे बचे हैं, स्मॉल राय के सामने होने वाला है तूफान और तूफान का एक और हेडशॉट। बट गाइस यहाँ पे आई थिंक M10-14 से फिनिश ऑफ कर दिया है, जहां तक मेरे को लग रहा है 2-3 शॉट्स यहाँ पे कनेक्ट किए हैं और फिनिश ऑफ किया है। अब यहाँ पे बचे हैं तूफान और उनके सामने है गाइस यहाँ पे गुच्छी पहाड़ी। जी गाइस, तूफान के सामने है यहाँ पे गुच्छी पहाड़ी। लेट्स सी क्या कुछ होने वाला है। भाई बंदे के पास M10 है यहाँ पे और भाई M10 से कुछ भी यहाँ पे कर सकते हैं, बट वुड पिकर से ट्राई कर रहे हैं भाई। भाई कॉन्फिडेंस लेवल देखो, UMP छोड़ के वुड पिकर और डेजर्ट ईगल से ट्राई किया जा रहे हैं। ओ माय गॉड, ट्रिपल किल, व्हाट अ गेम प्ले बाय तूफान यहाँ पे। भाई तबाही मचा दी है इस राउंड में। दो
हुआ है, दूसरी तरफ यहाँ पे स्मूथ को देख लेते हैं और दो किल ठाकुर कर चुके हैं, दो किल पहाड़ी मोंटी कार्लो यहाँ पे किल कर चुके हैं, बट तूफान के क्लोज में कहीं ना कहीं क्लियर हम लोगों को देखने के लिए मिला है, फायरिंग यहाँ पे देखने के लिए मिली है और क्लोज में भी क्लियर है, अंदर से यहाँ पे ट्राई किया था आई थिंक बट नहीं, पीछे से यहाँ पे आ चुके हैं भाई तूफान, तो यहाँ पे पता भी नहीं चला है एक्चुअली नीचे है वो प्लेयर यहाँ पे, बट लेट्स सी दूसरी तरफ यहाँ पे स्मूथ है, एक प्लेयर को नॉक कर चुके हैं, डैमेज भी यहाँ पे हुए हैं स्मूथ और मोंटी कार्लो क्लोज में एमटेन यहाँ पे शॉट कनेक्ट किए हैं, कनेक्ट यहाँ पे जरूर हुए हैं बट नॉक होने से बच गए, दूसरी तरफ तूफान यहाँ पे रुकने का नाम नहीं ले रहे भाई लोग, जे गाइस एक तरह से भवंडर यहाँ पे ला के रख दिया इस गेम में, अरे भाई सब बहुत ही प्यारा, अब लास्ट प्लेयर यहाँ पे बचे और उनको भी वुड पिकर का हेडशॉट, भाई मैं क्या देख रहा हूँ गाइस, ये कोई हाइलाइट्स नहीं है, एक ही गेम का ये गेम प्ले है और हर राउंड में मतलब नेक्स्ट से भी नेक्स्ट लेवल का गेम प्ले हम लोग देखने के लिए मिल रहा है, देख चुके हैं, स्मॉल राय को भी देख लेते हैं, स्मॉल राय आगे बढ़ते हुए शॉटगन के साथ, ये अभी गो स्मूथ की बात की जाए तो भाई वुड पिकर ले लिए और बहुत खतरनाक खेल रहे दोनों प्लेयर्स, पिछली बार वुड पिकर से हम लोग देखा था पिछले से पिछले राउंड में, बहुत ही प्यारा शॉट यहाँ पे तूफान ने लगाया और पिछले लास्ट राउंड में स्मूथ ने यहाँ पे लगाया और यहाँ पे भाई जिसकी मैं बात कर रहा था शॉटगन यहाँ पे भाई लिटरली क्या हेडशॉट मारता है भाई यहाँ पे, ठीक है तूफान क्या ही शॉट मारता है और प्लेयर ने अपने आप को पैक यहाँ पे कर लिया, एक तरफ स्मूथ भी यहाँ पे एक प्लेयर को नॉक कर चुके हैं, दो ही प्लेयर अब यहाँ पे बचे हैं, क्या एक्सपीरियंस प्लेयर, ओ अरे भाई एक और जबरदस्त हेडशॉट, भाई क्या खेल रहे हैं इतने एक्सपीरियंस प्लेयर्स के अगेंस्ट, व्हाट अ गेम, और गाइस मैं रूल बता दूं आप लोगों को, गाइस रिवाइव नहीं है और स्पैम नहीं है, और बात की जाए तो गाइस यहाँ पे छुपके नहीं खेलना है, तो ये तीन पॉइंट हम लोगों ने रखे थे, बट लेट तूफान को देखते हैं भाई, मेरे को लग रहा है तूफान पे आकर रश कर दिया, ये गाइस कहीं ना कहीं लग रहा है तूफान और इस बार ग्लू वॉल नहीं लगा, अब यहाँ पे स्मूथ बचे, बट लुक एट द हेडशॉट भाई क्या हेड यहाँ पे मारा, और आई थिंक दोनों प्लेयर्स को एक हम लोगों ने मिस जरूर किया है, दो ही प्लेयर यहाँ पे बचे हैं, स्मूथ भी पूरा वेट यहाँ पे कर रहे हैं, देखते कौन कौन से स्मॉल रहा है और पार्टी यहाँ पे चले गए, ठीक है अब यहाँ पे बचते हैं, अब यहाँ पे बचते हैं स्मूथ और मोंटी कार्लो, स्मूथ मोंटी कार्लो और आई थिंक ठाकुर यहाँ पे बचते हैं, क्या स्मूथ यहाँ पे फिनिश ऑफ यहाँ पे करने वाले भाई लोग, ओके नो प्लेयर को यहाँ पे फिनिश कर रहे हैं, केल्स यहाँ पे बटोर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, बंदे ग्लूवल से यहाँ पे बहुत ही कम भाई, ओपन में बिल्कुल भी चांस यहाँ पे नहीं दे रहे हैं, बट पीछे से स्मूथ यहाँ पे जरूर गए थे और इस बार यहाँ पे ठाकुर ने फिनिश कर दिया, ठाकुर भी काफी अच्छा खेल रहे हैं, स्कोर यहाँ पे हो चुका है गाइस 3-6, तूफान को देखते हैं, तूफान भी यहाँ पे गाइस वुड पिकर के साथ है, देखा जाए तो जी गाइस वुड पिकर के साथ है यहाँ पे तूफान, ओके आगे बढ़ते हुए तूफान यहाँ पे, हियर वी गो, स्मॉल राय यहाँ पे सामने है और शॉटगन यहाँ पे उठा लिया, जब भी इस प्लेयर के अगेंस्ट रहते हैं तो और प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, पूरा ओपन में दोनों तीनों तरफ से फायर हो रही है, स्मूथ यहाँ पे एक प्लेयर को नॉक कर चुके हैं, ये जरूर हम लोगों ने मिस कर दिया, बट देख रहे हो गाइस जो इधर के प्लेयर थे जिनका स्मूथ पे फोकस था उनका भी फोकस तूफान पे चला गया, तो बिल्कुल ओपन में यहाँ पे आ गए थे, बट कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है कि पहले यहाँ पे लिया जाए तूफान को, कि वो वाले प्लेयर्स भी इधर यहाँ पे आ चुके हैं, क्या ये स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है कि तूफान को सबसे पहले हम लोग फिनिश कर देते हैं, उसके बाद पहले टारगेट तूफान को किया जाए फिर यहाँ पे स्मूथ को, बट स्मूथ यहाँ पे दूसरी तरफ भी हैंडल कर रहे हैं, पीछे वाला प्लेयर्स भी आ चुके हैं स्मूथ को, मेरे को लग रहा है भनक यहाँ पे अभी नहीं पड़ी है, ओके लेट्स सी स्मूथ के पीछे प्लेयर यहाँ पे हो सकते हैं और पीछे से शॉट्स यहाँ पे पड़े हैं, जैसे बंदे ने हिल करके ग्लू वॉल से यहाँ पे निकला है, शॉट्स यहाँ पे कनेक्ट किए हैं, बट स्मूथ यहाँ पे बाल बाल बच गए, अभी भी यहाँ पे तीन प्लेयर्स बचे हैं 2v3, अरे भाई इस बार और तूफान ने यहाँ पे मेरे को लग रहा है यहाँ पे हेडशॉट दे दिया, ठाकुर यहाँ पे ये प्लेयर काफी सही खेल रहा है, तीन के यहाँ पे निकाल भी चुके हैं, बट अब यहाँ पे दोनों प्लेयर सारे भाई सब स्मूथ का बहुत ही प्यारा शॉट, एक लास्ट प्लेयर बचे और उसको तूफान ने भाई क्या खेला है तूफान ने लास्ट वाले राउंड में, लिटरली अमेजिंग 3-7 से ये गेम अपने नाम कर लिया है, टोटल किल्स यहाँ पे निकाले हैं 17 किल्स, तो गाइस नेक्स्ट चैलेंज क्या होने वाला है आप लोगों का कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।